नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी गूगल पे में कोई रिचार्ज फेल हो गया है और आपका बैलेंस कट गया है, या फिर दोस्तों आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे और आपका जो बैलेंस था वो कट गया है और आपके फ्रेंड के पास आपका जो बैलेंस था वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप उस कटे हुए बैलेंस को किस तरह से गूगल पे से रिफ़ंड ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो रिचार्ज था वो यहाँ पर फेल हो गया था। उसके बाद दोस्तों हमने गूगल पे से रिफ़ंड भी ले लिया था। तो दोस्तों किस तरह से लिया था आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जब हमारा रिचार्ज जो था फेल हो गया था, उसके बाद हमारे बैंक से बैलेंस जो था वो कट गया था, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने जो था सबसे पहले अपने बैंक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था। उन्होंने हमें बताया कि आपको 3 दिन का वेट करना है और आपका जो बैलेंस है ऑटोमेटिक गूगल पे से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 3 दिन हमने वेट किया लेकिन रिफ़ंड नहीं आया। उसके बाद दोस्तों हमने 2 दिन और वेट किया और हमारा जो गूगल पे से रिफ़ंड जो था वो आ गया था। तो दोस्तों सिर्फ हमने अपने बैंक हेल्पलाइन नंबर पर ही कॉल किया था और हमारा ये प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया था। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपका बैलेंस कट गया है तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपने बैंक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना है। यदि आपके पास बैंक हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो आपको गूगल पर जो है वो सर्च करना है, आपको अपना बैंक हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप गूगल पे कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं, उनका नंबर भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको आप बताएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने अपना गूगल पे से रिफ़ंड लिया था और इसी तरह से आप भी अपना गूगल पे से रिफ़ंड ले सकते हैं। तो दोस्तों गूगल पे से रिफ़ंड आने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं, तो आपको जो है वो थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।